देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। दोस्तों, एक खौफनाक दास्ता मेरे दिल के बेहद करीब जुड़ी हुई है। वो गर्मियों का महीना चल रहा था जब रात में हम सभी घर वाले एसी का लुत्फ उठाते हुए गहरी नींद का मजा लेते थे, लेकिन एक घटना जिसने सभी को हिला कर रख दिया। तो आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से सभी घर वालों को एक गहरा सदमा लगा, तो आइए जानते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर एक नॉर्मल इंसान को ठंडी हवाएं काफ़ी पसंद होती हैं। मैं अपने गांव के एक छोटे से तालाब के पास बैठा हुआ था और वहां पर चलने वाली बेहद ठंडी हवाओं का लुत्फ मैं उठा रहा था, मगर उसी वक्त मेरे शरीर में किसी बेचैनी का आभास होने लगा। अचानक ही मेरा शरीर आग की तरह तपने लगा। आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की कमजोरी कभी महसूस नहीं की थी। उस तालाब के चारों तरफ देखने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही शख्स हूँ और बाकी सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। और जब मुझे भी लगा कि अब मुझे भी अपने घर के लिए निकलना चाहिए, तो मैं भी वहाँ से उठता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। धूप का कहर भी सर चढ़कर बोल रहा था। फिर मैं उस तालाब के पानी से अपना मुंह भिगोते हुए घर की ओर चल दिया। मैं इस तालाब से बस कुछ कदम बढ़ा ही था कि मुझे उस तालाब के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई, और फिर जब मैं पीछे मुड़ा था तो मैंने पाया कि उस तालाब के अंदर किसी ने एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मेरे शरीर के अंदर अचानक एक सनसनी सी मच गई। मैं ये तो नहीं जान सका कि अचानक मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, मगर मैं समझ चुका था कि अब मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और मौका पाते ही मैं वहाँ से निकल पड़ा। फिर मैं अपने घर जाकर आराम करने लगा, और जब शाम का समय होने को आया तब जाकर मैं एक बार फिर से अपने सारे दोस्तों के साथ उसी तालाब के पास बने एक ग्राउंड में लौट गया और वहीं पर हम सभी क्रिकेट खेलने लगे। और जब हल्के हल्के अंधेरे की छाएं पसरने लगी तब जाकर हम सभी उस हाईवे पर पहुंच गए जो उस तालाब के बेहद करीब था। वो तालाब उस क्रिकेट के ग्राउंड और हाईवे के बीचों बीच बना हुआ था, जिस वजह से हम सभी इस वक्त एंजॉय करते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर मेरा एक मित्र बोल पड़ा, अरे भाई, अब हम सबको अपने घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोगों की मान्यता है कि इस जगह में किसी चुड़ैल का वास है। पहले तो मैं उन सभी के चेहरों को घूरने लगा और बाद में मैंने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा। रात के ठीक 8 बजने को चले थे तब जाकर कहीं अंधेरा छाने लगा। मैं अभी भी अपनी मस्ती से घर की तरफ बढ़ रहा था और उसी समय रेड कलर की एक बस मेरे बहुत ही पास से गुजर गई। मैं थोड़ा साइड में था, वरना आज मेरा कचूमर बनना भी लगभग तय था। खैर, मैं उस बस वाले को देख तो नहीं पाया और वो बस इतनी स्पीड में थी कि मैं उस बस की नंबर प्लेट को भी बिल्कुल भी देख नहीं पाया। और ऊपर से अब अंधेरा भी छाने लगा तो बस का दिखना और भी कठिन था। फिर मैं हाईवे से नीचे उतर गया और साइड में चलने लगा ताकि अब मेरे ऊपर कोई भी खतरा ना मंडरा सके। उस दिन तो मैं सही सलामत अपने घर तक पहुंच गया, लेकिन मुझे कहां मालूम था कि आने वाले कुछ दिन मेरे लिए खौफनाक दास्ता के कुछ अलग ही रूप साबित होने वाले हैं। उस दिन मैं अपने घर लौटा और फिर घर लौटने के बाद रेस्ट करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस बस की वो झलक बार बार दिखाई दे रही थी। जब वह बस मेरे बेहद करीब से गुजरी थी, यानी कि उस समय मेरी जान ही जाने वाली थी, लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत का साथ मेरे सर पर मौजूद था, जिस वजह से मैं अपनी जान बचा पाया। उस दिन की बात को तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। और एक बार फिर जब सुबह हुई तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ उसी तालाब के पास खेलने के लिए पहुँच गया। उस समय मेरी आयु तकरीबन 18 साल की थी और हम उस समय गांव के तालाब के पास अक्सर छुपन छुपाई खेला करते थे, और वो रविवार का दिन था तो हम सभी दोस्तों की छुट्टी भी थी, जिस वजह से हम सभी दोस्त मजे से वहीं उस तालाब के किनारे खेल रहे थे। लेकिन तभी हमारा एक दोस्त अचानक ही कहीं गुम हो गया। पहले तो हम सभी को लगा कि शायद हमारा दोस्त हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी वो हमें कहीं भी नहीं मिला तो हमने उस बात को सीरियस लिया और हम सभी के चेहरे अब टेंशन के मारे सफ़ेद पड़ने लगे। काफ़ी देर बीतने के बाद हमने पाया कि हमारा दोस्त वहीं उस तालाब के पास गिरा हुआ था, लेकिन 5 मिनट पहले तो वो वहां पर नहीं था। हम सभी आश्चर्यचकित थे, मगर जब हम उसके पास पहुंचे तब हमारे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से पानी बनने लगा।
अब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हमारे दोस्त की सांसें रुक चुकी थीं। हमारा पूरा शरीर बुरी तरह से थरथर कांप उठा, क्योंकि अब हमारा दोस्त हमें अलविदा कहने के बाद इस दुनिया को छोड़ चुका था। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का संदेह था कि आज जो हादसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वह बाद में आगे जाकर किसी और के साथ भी अंजाम दे सकता है, जिस वजह से मैं पूरा सतर्क था। दोस्तों, उसके लगभग 3 महीने तक हमारे गांव में उस तालाब के पास वीरानियत का एक माहौल सा बना रहा। उस तालाब की तो छोड़ो, दूर दूर तक हमारे गांव में सिर्फ सन्नाटा ही नजर आता। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। धीरे धीरे हमारा गांव एक बार फिर नॉर्मल होने लगा और गांव के अंदर खुशहालियाँ लौटने लगी। फिर हमारे गांव में एक फंक्शन रखा गया। उस फंक्शन के दौरान उस तालाब और हाईवे से सटा हुआ एक बंगला पड़ता था। गांव के एक रईस द्वारा उसके अंदर पार्टी रखी गई। गांव के काफ़ी सारे लोग उस पार्टी को अटेंड करने वाले थे। सभी के मन में कहीं ना कहीं अलग अलग विचार थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि गांव का रईस यह पार्टी क्यों दे रहा है। लेकिन जब शाम का समय हुआ और सभी लोग पार्टी के अंदर दाखिल हुए, तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बंगले को इस तरह से सजा हुआ देखकर उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि खंडर पड़ा हुआ यह बंगला अब इस तरीके से खूबसूरत नजर आने लगा है। उस बंगले के अंदर रोशनी साफ साफ चमकती हुई नजर आ रही थी। युवा और बुजुर्ग लोग सभी उस पार्टी के अंदर मौजूद थे। रात के तकरीबन 1 बजने को आए, तब जाकर उस पार्टी की समाप्ति हुई। लेकिन उसके बाद दहशत का एक रूप देखने को मिला। जब मैं अपने कुछ रंगीन दोस्तों के साथ उस पार्टी से बाहर निकला, तो मुझे एक पेड़ के ऊपर काले रंग की परछाई नजर आने लगी। ये परछाई बिल्कुल लाइट्स के अंदर थी, जिस कारण मुझे इस परछाई को देखने में काफ़ी मदद मिल रही थी। मगर जब मेरी नज़रें उसके उल्टे कदमों पर पड़ी, तो फिर मैं एकदम से चीख उठा। लेकिन जब मेरे सारे दोस्त उस तरफ देखने लगे, तो वह मुझ पर गुस्सा करते बोले, अबे पागल है क्या, हमें तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिर जब दोबारा मैंने भी उस पेड़ की ओर देखा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा घर उस बंगले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जिस वजह से हम सभी पैदल पैदल अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर तभी मेरा एक दोस्त चीखते हुए बोला, अरे ओम प्रकाश। और इतना सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ओम प्रकाश कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी 3 महीने पहले ही मौत हो गई थी। हम सभी को अपने दोस्त की बातों पर कहाँ यकीन होने वाला था। हमने उसकी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और अब हम सभी अपने अपने घर की तरफ बढ़ चले। मेरा घर मेरे बाकी दोस्तों के घरों से थोड़ा अलग था, यानी कि थोड़े सुनसान इलाके में था, जिस कारण मैं अकेला ही बचा था जो उस रास्ते को काटता हुआ अपने घर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कने भी लगातार तेज हो रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। और तभी रास्ते में बैठा हुआ एक कुत्ता मेरी तरफ भौंकने लगा। पहले से मेरे अंदर खौफ की कोई कमी नहीं थी, और ऊपर से इस कुत्ते ने अपनी दहशत फैलाकर मुझे पूरी तरीके से झंझोर कर रख दिया। मैं एक तेज दौड़ लगाते हुए घर की ओर भागने लगा, और भागते भागते मेरी सांसें भी फूलने लगी। फाइनली मैं एक जगह पर खड़ा हो गया और उस कुत्ते को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन साले उस कुत्ते को ऐसा क्या सूझ रहा था कि वह लगातार मेरे पीछे की ओर देखकर भौंकता जा रहा था। फिर जब मैं भी एक बार के लिए अपने पीछे पलटा, तो फिर कुछ पलों के लिए मेरा शरीर भी सुन्न पड़ गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ हमारा पुराना दोस्त, जिसकी 3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी, और वह अपनी चमकती हुई आंखों के साथ लगातार मुझे ही घूर रहा था। उस समय मैं अपने घर के बेहद करीब था, जिस वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं भागते हुए अपने घर के अंदर घुस गया। मैं चाहता तो अपने दोस्त से कुछ बात कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि इस समय वह मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक आत्मा है। जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा, तो मेरा पूरा शरीर बुखार के मारे अब तपने लगा। मैंने अपनी मम्मी के साथ साथ पूरे घर वालों को मेरे साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया, लेकिन किसी को मेरी बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था। उन्होंने इसको मेरा एक छोटा सा गलत वहम बताया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि अभी अभी मैं किस दौर से गुजरकर अपने घर पर पहुंचा हूं। रात कटना भी मुश्किल था, और रात के तकरीबन 2 बजने को आए थे, और ऊपर से मैंने अपने घर वालों की नींद भी खराब कर दी थी।
मेरे इस हालत को देखकर मेरे सारे घर वाले चिंता में डूबे हुए थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मेरी आंख बंद हो गई, यानी कि मैं एक गहरी नींद का शिकार हुआ। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपने शरीर के ऊपर कुछ अलग अलग और दर्दनाक निशान दिखाई देने लगे, और गांव के कुछ लोगों का मानना था कि इस तरीके के निशान उसी इंसान के शरीर पर बनते हैं जो इंसान किसी काली शक्ति का शिकार होता है। और कहीं ना कहीं अब मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा मरा हुआ दोस्त हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है और वह मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहता है। फिर अचानक ही पता नहीं मुझे क्या होने लगता, मेरा सर जोर जोर से चकराने लगता और मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगता। फिर क्या होता मुझे तो याद ही नहीं रहता, लेकिन जब तक मेरी आँख खुलती तो मुझे अपने शरीर पर बहुत ही चोट नजर आती। मैं अपना दिमागी संतुलन अब खो चुका था। उस समय मैं सब कुछ भूल जाता और मुझे अपने शरीर के अंदर में कुछ बेचैनी होने लगती, और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता। मेरे घर वालों का कहना था कि उस वक्त मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता था, और दोस्तों अक्सर ऐसी चीज़ें हमें हमारे शरीर पर नुकसान पहुंचाने में मजबूर कर देती हैं जिनके जंगल में हम बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए, और उस तांत्रिक के पास जाने के बाद उसने मेरे ऊपर कुछ झाड़फूँक की, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक बहुत ही पीड़ित आत्मा इसके शरीर पर अपना कब्जा कर चुकी है और यह इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके तकरीबन 7 दिन बीतने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा, मगर अभी तक मेरी ज़िंदगी में पूरी तरीके से सुधार नहीं था। अब भी मुझे अपने आसपास अपने दोस्त ओम प्रकाश के होने का आभास होता रहता, और मैं ये बात अच्छे से समझता था कि मुझे उन नियमों का पालन करना होगा जो नियम उस तांत्रिक बाबा ने बताए थे। तकरीबन 1 महीना बीत गया और तब जाकर मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही हमारे साथ मौजूद एक और दोस्त की वहीं पर मौत हो गई, और उसकी मौत भी उसी तालाब के करीब हुई थी जिस तालाब के पास कोई जाता तक नहीं था। दोस्तों हमारे गांव में एक बात बहुत ही तेज गति से फैलने लगी, और वो ये थी कि अब हमारा गांव भूत प्रेत का दूसरा घर बन चुका था। इस गांव में रहने का मतलब है अपनी मौत को अपनी तरफ आकर्षित करना, और अब तो मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी बिल्कुल मन नहीं था कि अब हम कुछ दिन और उस गांव के अंदर ठहर सकें। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो खौफ की आंधी आज भी मेरे दिल में तरोताज़ा है जो मुझे कपकपा देने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।